कि ये जो वेन्यू है एंजल हाई स्कूल का, आज यहाँ मुझे दो तरह का फ्लावर शो नज़र आ रहा है। एक तो वो है जिसको हम फ्लावर शो कह रहे हैं, और दूसरा इंसानियत का जो फ्लावर शो है वो बच्चों का मूवमेंट है, उनकी खुशी है। तो ये एक साथ जो कहते हैं डबल इंजन का फ्लावर शो है आज के दिन। इसके लिए खासतौर से बधाई के पात्र हैं आप सब, उमर साहब और सभिया खान प्रिंसिपल यहाँ की और एंटायर मैनेजमेंट। अच्छी बात यह है कि जैसा इन्होंने बताया कि खुद पार्टिसिपेट नहीं किया मगर वेन्यू प्रोवाइड किया, और पता ये चला है कि यहाँ पे शहर के चार बड़े नोन स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, और जिन टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है वो सारा टॉपिक्स न सिर्फ के फ्लावर शो को रिप्रेजेंट करता है बल्कि लाइफ और आज ज़िंदगी इस ज़मीन पर जिस तरह आगे चलती है और इस ज़िंदगी को चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, यानी साफ हवा, साफ पानी, अच्छी ज़मीन और उसकी देखभाल, ये सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों के दरमियान इस तरह के टॉपिक्स को लाना, ये उस छोटी उम्र से ही उनको अवेयर कराना है, उनको जागरूक कराना है। तो इस सब के लिए नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर जो सोसाइटी है जिसके रूहे रवा मेरे सामने संजय जी बैठे हुए हैं, और उन्होंने जब मुझसे शेयर किया था कि इस तरह का प्लान है, और आज उसकी सफलता को देखकर मुझे उन्हें भी बधाई देनी है। 26 स्कूलों को दिया था हमने, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 स्कूल आ सके, उर्बाइन पब्लिक स्कूल, सेंड्रेला और जेसन मैरी, और इन्हीं 4 में कंपटीशन हमने कराई है, और इसमें जो बेस्ट होगा वो मुझे तो नहीं मालूम, जो हमारे जज हैं संजय सर और रहमतुल्ला सर, उन लोगों ने क्या जजमेंट किया हो तो अभी थोड़ी देर के बाद मालूम हो ही जाएगा। लेकिन मेरा कहना है मैं इसे कोशिश करूंगा कि हर साल करूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्कूलों से कि आप, ये एक अच्छी चीज़ है, इन सब छोटे छोटे कंपटीशन से बच्चों को भेजें, इनसे क्या होगा, उनको पौधों से शौक़ होगा, और जब पौधों से शौक़ होगा तो हम सबों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। मैं डॉक्टर राजीव कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, और हॉर्टिकल्चर से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ। आज का जो प्रयास है तारीफ है, और मुझको लगता है कि ये इंटर स्कूल कंपटीशन जो है इसमें जो ये जगह है वो काफ़ी छोटी पड़ गई है। इस इंटर स्कूल गार्डन कंपटीशन के लिए मेरे समझ से जो मैं अभी गेस कर रहा हूँ, आपको काफ़ी बड़ा गार्डन चाहिए, काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए, और एक दो मैं सजेशन स्कूल के जो ये ऑर्गेनाइजर है उनको देना चाहूँगा कि और स्कूलों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, और एक आप एक स्कूल इंटर स्कूल एक सोसाइटी बना लें। माय रिस्पेक्टेड टीचर्स दैट दे हैव कोऑपरेटेड द स्टूडेंट्स टू मेक दिस प्रोग्राम अ सक्सेसफुल वन। वन थिंग आई